अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, रखेल औरत का ब्यौरा दिया है, तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे, वो बताओ ना कि मेरा दूसरी औरत है कैसे। अपनी कारगुजारियों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले शिवराज के मंत्री अनूपपुर भाजपा प्रत्याशी बिसाहुल लाल के एक बाद एक वायरल हो रहे वीडियो उनके लिए गले की फांस बनती जा रही है। महिलाओं के लिए अमर्यादित बयान को लेकर उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष गुप्ता ने उपचुनाव में अनूपपुर में भाजपा की हार को लेकर इसे उनकी बौखलाहट बताया है। उपचुनाव को लेकर अनूपपुर में राजनीति जमकर गरमाई है। आलम यह है कि शिवराज सिंह के मंत्री अनूपपुर भाजपा प्रत्याशी बिसाहुलाल अपने बेतुके और अमर्यादित बयानों को लेकर इन दिनों सुर्खियों में हैं। रोजाना एक न एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर आड़े हाथों लेते हुए शहडोल जिला के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष गुप्ता ने बिसाहुलाल सिंह को इस उपचुनाव में अभी से हार की बौखलाहट बताते हुए महिलाओं को लेकर अमर्यादित शब्दों के उपयोग पर कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में बुरी तरह हार रही, हार की बौखलाहट में वो कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी ने कोई भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जो कि नहीं करना चाहिए था। वो बहुत ही सभ्य नेता हैं और कभी भी इस भाषा का उपयोग नहीं करते हैं जिसका भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना सके। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार कगार पर देखकर बौखला गई है। अनूपपुर में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अनर्गढ़ प्रलाप कर रहे हैं। उन्होंने तो आराध्य हमारे राम के बारे में, मेरे राम के परिवार के बारे में भी ऐसे अशोभनीय टिप्पणी की है, और जो भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे सत्ता पे आई है वो मौन है, उनके नेता मौन है। राम के परिवार के बारे में अशोभनीय टिप्पणी करने के बाद भी मैं बिसाहुलाल के इस बयान की घोर निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी बिसाहुलाल जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है वैसे वैसे किसी न किसी मामले को लेकर विवादों में घिरे नजर आ रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के दौरान उन्होंने अपने रिवॉल्वर की जानकारी छिपाने के आरोप में कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयप्रकाश को 3 तारीख के बाद उनको उनकी औकात दिखाने का एक वीडियो वायरल हुआ। अग्रवाल मेरे चलते 13 साल तक अध्यक्ष बने और 3 तारीख के बाद जो दुर्दशा में जयप्रकाश का करूँगा कोई नहीं करेगा, वो रास्ता में लाऊंगा उसको, आप इसमें बोल दीजिए रास्ता में लाऊंगा, अपना औकात उसको समझाऊंगा। तो वही कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ की पत्नी को लेकर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग के दौरान नाराज महिलाओं ने बिसाहुलाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ ही आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के एक दिन बाद एक वायरल वीडियो में बिसाहुलाल की मुसीबत और बढ़ा दी। वायरल वीडियो में बिसाहुलाल अपने होटल के कर्मचारियों को एक रिवॉल्वर दिखाकर डराते धमकाते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वायरल वीडियो अभी का नहीं है बल्कि पहले का बताया जा रहा है। अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, रखेल औरत का ब्यौरा दिया है, तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे, वो बताओ ना कि मेरा दूसरी औरत है कैसे। CEN News के लिए शहडोल से अविनाश शर्मा की।